पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर कैंसर मुक्त हो गई हैं। इस बात की खुशी जाहिर करते हुए सिद्धू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न केवल उन्होंने अपने फॉलोअर्स का आभार जताया बल्कि कैंसर से अपनी जंग की दास्तां को भी बयां किया। अपनी पत्नी के साथ सिद्धू ने बताया कि नीम और हल्दी जैसी आम चीजों से उन्होंने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को कैसे हराया। आइए सुनते हैं इस मुश्किल जंग की दास्तां उन्हीं की जुबानी। तो डॉक्टर सेड कि सिद्धू साहब 5% की चांस है, मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाटसएवर। सो व्हेन द चांसेस वर ग्रिम, मैं घंटों पढ़ता रहता था और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण भी बताऊंगा। मैं घंटों पढ़ता रहता था, रिसर्च करता रहता था, अमेरिकन डॉक्टर्स, आयुर्वेद, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मैं दिन की कम से कम नहीं 4-5 घंटे पढ़ाई करता था। मैं जब भी डॉक्टर्स को पूछता था कि जी ये डाइट शुरू कर दूं, उन्होंने कहा नो। कीमोथेरेपी चल रही थी और मैं जो दवाई थी, जो डॉक्टर्स थे, उनका कहां से मुकाबला कर सकूं। मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं सिखा सकता, मैं उन्हें डॉक्टरी नहीं सिखा सकता था। तो जब ये हुआ कि कोई चांस ही नहीं रह गया, तो जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे। यू विल नॉट बिलीव इट, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा यह है कि जब भी मैं कोई पोस्ट डालता था नूनी की, इतना रिस्पॉन्स आता था, इतनी दुआएं, इतनी विशेस, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन उसमें बहुत से लोग पूछते थे साहब आपके पास तो करोड़ों हैं, आप इलाज करवा लोगे, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन एक आम गरीब आदमी कैसे ठीक होगा। ये जो मनी इन द बैंक की बात है, इसकी वजह से आज उस आम जो मेरे बहन भाई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी भी अवस्था में है, मैं उनके मन में ये आस और विश्वास जगाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा हूं और ये शेयर करूंगा कि किस तरह से नोनी उस अवस्था से स्टेज 4 कैंसर मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग हर 3% चांस, किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। नाउ जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं। मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज। सो 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर है, कैंसर इन्फ्लेमेशन है, बीमारी का कारण है इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, एक कार्बोहाइड्रेट्स वीट, ज्यादातर वीट से। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खानी, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है, और उससे भी ज्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए। कैंसर फीड्स ऑन शुगर। तो कैंसर की वो लाइफलाइन जो थी, जो मेरे हिसाब से, मैंने अपनी तरफ से कोई ये प्रबंध नहीं किया था, आयुर्वेद, अमेरिकन डॉक्टर्स, हिंदुस्तान की रिसर्च, सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के, जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन। नाउ आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गॉट हर बैक। रिफाइंड ऑयल्स, जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं गॉन। नाउ आई विल टॉक अबाउट हाउ शी केम बैक, द डाइट दैट वी गेव हर। सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू,
उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। सीरियसली मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, नीम के पत्ते, तुलसी, इसे ग्रीन ब्लड कहते हैं, द डॉक्टर्स कॉल इट ग्रीन ब्लड। फोटोसिंथेसिस होती है जो प्लांट्स में आती है, तो अगर आप 50 ग्राम के करीब पालक के पत्ते या ग्रीन पत्ते आप लें, और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की कड़वे और खट्टे तत्व बेरीज। सो वो जो खट्टा पदार्थ और नीम के पत्ते और हल्दी अदरक, ये सवेरे देना। चाय छुड़वाई तो चाय, जो इंडियन स्पाइसेस, सिनेमम जिसे हम दालचीनी कहते हैं, सिनेमम के साथ काली मिर्ची, लौंग। व्हेन द ब्रिटिशर्स केम, दे केम बिकॉज ऑफ दी स्पाइसेस, राइट। छोटी इलायची, इसको उबाल के इतना सा गुड़, बस वही इसका शुगर थी, बस इतना सा गुड़ उसमें डाल के वो चाय, नो मिल्क प्रोडक्ट, राइट। उसके बाद नट्स, गैप दिया, और एक सफेद पेठे का जूस, व्हाइट एश गर्ड, उसका जूस। वो खत्म हुआ 1-1.5 घंटे बाद ब्लूबेरीज, जो ब्लूबेरीज नहीं अफोर्ड कर सकते मेरे बहन भाई, अनार, आमला इज ऑल्सो अ बेरी, शहतूत, ब्लैकबेरी, बेरीज देनी। बेरीज के साथ इसको 4 पीसेस ऑफ अखरोट और 2 ब्राजील नट्स और मैकेडेमिया नट्स और पीकन नट्स, ये 4 तरह के नट्स, ब्लूबेरीज और एक ग्लास जूस का, जिसमें बीटरूट, चुकंदर, गाजर और एक आंवला ठक। यू विल नॉट बिलीव, ये करके उसके बाद कुछ नहीं, नथिंग। फिर रात को 7-7:30 जैसे ही दिन छिपा, नो राइस, नो रोटी, किनोवा, दी ओनली ग्रेन विच इज एंटी इन्फ्लेमेशन एंड एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेशन एंड एंटी कैंसर। उसको किनोवा थोड़ा बॉयल करके देना या बादाम के आटे की रोटी, 2 सब्जियां और इतना सारा सैलेड, बीच में पत्ते। 40 दिन के बाद निराल थी पूरी। 40 दिन के बाद पेट स्कैन हुआ, हुसैन साहब हैं इन मोहाली, ही लुक्ड एट द पेट स्कैन, ही सेड सिद्धू साहब ग्रेड 4 स्टेज 4, अगर जी हां, कह रहा है ऑपरेशन करवाना है, मैं हां जी, ऑपरेशन दूसरा जो था, कह रहा फिर आप स्कैन के लिए लेके आइए ये चीजें हैं। ऑपरेशन हुआ दूसरा, इट वॉज वन ऑफ इट्स काइंड ऑपरेशन, क्योंकि पीछे से फ्लैप उठा नहीं सकते थे, तो उठा के मसल ही पूरा चेंज करके यहां लगा दिया, लाइव मसल था। बस 45-50 डेज आफ्टर दैट ऑपरेशन द पेट स्कैन वॉज डन, नॉट अ सिंगल सेल ऑफ रेडिएंट कैंसर, जो जिसे वो सिस्ट कहते हैं, एक भी नहीं। बिलीव यू मी, मैं आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि कैंसर कैन बी डिफीटेड, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। जो इलाज कैंसर का है वही फैटी लिवर का है, जिनको ये वेट आता है, जो डाइट इसने ली वो मैंने ली, और मेरा फैटी लिवर खत्म हो गया, आई हैव लॉस्ट 25 केजीस। लोग मुझे जवान कहने लगे, मैं भी मल्लिका पुखराज का गाना लगा के वो सुन लेता हूं, अभी तो मैं जवान हूं। यू सी वी हैव रिकवर्ड ब्यूटिफुली, सारसॉप लीव्स। और सबसे बड़ी बात बहनों भाइयों, कोकोनट इज द थिंग दैट वर्क्स मिरेकल्स। अब आप पूछेंगे कि खिलाया क्या भाई, रोटी काट दी, राइस काट दिया, मैदा काट दिया, समोसे काट दिए, चाय छुड़वा दी, फिर खिलाया क्या, किस तेल में, रिफाइंड ऑयल निकाल दिए, ओनली कोकोनट ऑयल, वो भी कोल्लू से, पीली सरसों, उसको कच्ची घनी बोलते हैं, कच्ची घनी का तेल 50 रुपये का, और जड़ी एडी की बोतल 50 रुपये का, कोकोनट ऑयल वही मुंह पे लगा लेना, उसी से खाना बनाना, कुछ नहीं हुआ इसको। शी केम बैक, ऑलिव ऑयल, जो ऑलिव ऑयल नहीं अफोर्ड कर सकते कोकोनट ऑयल, जितना खाना बनता था कोकोनट मिल्क, आप 20 रुपये का नारियल लीजिए, वो जो पानी वाला होता है, गिरी निकालिए, मिक्सी में डालिए, उसमें पानी डालिए, कोकोनट मिल्क, जितनी मर्जी सब्जी बनाइए उसमें, आमंड मिल्क,
जो नहीं अफोर्ड कर सकते आमंड तो उसको कोकोनट है, आमंड मिल्क 15-20 गिरी आप बादाम की पानी में डालिए, उसको वो करिए आमंड मिल्क। मिरेकल हुआ गुरु जब मैं डॉक्टर के पास गया वहां यमुनानगर, वो मुझे कहने लगा कि ये कैसे हो गया कि किसी विटामिन की कमी नहीं। मैं कहा जी इसको चार तरह के बीज भी देते थे हम, जो आयुर्वेद में लिखा हुआ आता है, एक सेसमे सीड्स, एक अलसी के सीड्स, पंपकिन सीड्स, मैग्नीशियम, सोने परफेक्ट लग गई, राइट, दीज फोर सीड्स वी गेव, इट्स अ कंप्लीट चार्ट, रिकवर्ड फुली टुडे आफ्टर 1.5 years, राइट, एंटायर फैमिली इज हैप्पी। ये बच्चे 2400 घंटे इसके साथ रहते थे, 2400 घंटे वी स्टूड विद हर लाइक अ रॉक। मुझे ये लगता था कि अगर मैं अपनी फैमिली का नहीं कर सकता हूं तो मैं बड़ी फैमिली का क्या करूंगा भाई, द होल वर्ल्ड इज माई कंट्री, ऑल मैनकाइंड माई ब्रदर, टू डू गुड माई रिलीजन, तो इसको अगर मैं नहीं बचा सकता तो फिर मैं क्या करूंगा। टुडे आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि ये 5-4 चीजें, कोई भी इसमें पैसे नहीं लगते, आप सनलाइट में बैठें, आप अपने ऑयल्स को पूरी तरह से चेंज करें, आप अपना माइंडसेट, इसके पास जाके किसी ने ये नहीं कहा कि आप ठीक नहीं होंगे, जो जाता था मम्मी ठीक, और ये इतनी बहादुर थी, केमोथेरेपी के दौरान, हर चीज के दौरान इसने कभी एक बार उफ नहीं की, और एक बार ये नहीं किया कि भाई कहीं मैं चली ना जाऊं। द ओनली टाइम व्हेन शी मैरिड हर सन, तब मुझे बोला थोड़ा, मैंने कहा तुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। ये पॉजिटिव ख्याल जो है ना, ये मैनिफेस्टेशंस जो है, कोई सपोर्ट करता हुआ फैमिली में, क्योंकि जैसे ही आदमी के मन में ये आ गया ना कि मैं बचूंगा नहीं, गॉन। पाई आपको कहता हूं, इलाज हिंदुस्तान में हुआ है, 10-12 लाख से ज्यादा लगे नहीं। राजेंद्रा हॉस्पिटल में डॉक्टर बेनीपाल, वो मशीनें हैं भाई, जो स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल है ना अमेरिका में, सेम मशीनें हैं, वो पटियाला में भी है, अमृतसर में भी, वो हमारी सरकार के दौरान प्रोक्योर हुई थी और इन्होंने उन्हें लागू करके प्रॉपर तरीके, ये तरीका होता है। मैं जब गया मैं इतना खुश हुआ उस रेडिएशन से, शी रिकवर्ड कंप्लीटली। फिर देयर वर सो मेनी डॉक्टर्स हु हेल्प। जब इसको ये स्टेज 4 कैंसर, सबने कह दिया स्टेज 4 है, इसके जख्म हील ही नहीं हो रहे थे, ऑपरेशन के जख्म जो थे, टांके खुल गए और वो जख्म हील नहीं हुए, ये मेटास्टेसिस का वो है, मुझे डॉक्टर थिंड है पटियाला, वो रोज आता था मुझे, रोज अपने साथ बंदा लेके आता था और रोज पट्टी होती, 15-20 दिन नीम के पत्ते, ये सब जो डाइट हमने शुरू की थी, ऑफ मिल्क, ऑफ मैदा, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, किनोवा, वेजिटेबल्स और 70% रॉ फूड, शलगम, मूलियां, घीए का रस, चिट्टे पेठे का रस, 40 days शी रिकवर। दिस इज ऑल दैट आई हैव टू से, ग्रेड 4 कमिंग बैक। चलो बाहर लोग जाके विदेश चले गए, मैं मनसादा 2 करोड़ लगे जी, 2.5 करोड़ लगे जी, ये इतने पैसे में इलाज हुआ, लेकिन जब कोई नहीं था हम में से, जब ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद रचा, उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजों के इलाज बताए हैं जो हमें, हम तभी करते हैं जब मुसीबत आती है। मैं क्या पूरी तरह अवेलेबल है इस टाइम, मैं नोनी नु कहना तुम्हें, देखो अब कैंसर सेल्स आप सब में है, ये नहीं है कि कोई बचा हुआ है, हम सब में वही सेल्स हैं, ये डिपेंड करता है कि हम उन सेल्स को खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, पहुंचने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, एक्टिवेटेड। और अगर गलती से, क्योंकि आजकल का जमाना है, सबने जाना है शादी पे जाना है, वो जाना है, हम कितने लोग हैं जो ऐसे घर में अपनी खेती कर लेंगे, मैं तो प्रमोट करती हूँ कि घर की खेती हो, किसान से डायरेक्ट लो, जब ये इनके पास लोकल बॉडीज था तो हमने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से वो जगह ली थी जहाँ पे फार्मर्स को इन्वाइट किया, जो पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करते, कि आप डायरेक्ट बेचो, आप स्वाद तो देखो कितना फर्क होता है, चलो आपके ऊपर जगह नहीं है, हम बाहरली कंट्रीज जैसे फार्म से लैंड लीज तो कर सकते हैं कि हम एज फैमिलीज अपनी लैंड, मैंने इतनी एकड़ लैंड लीज कर ली आपसे, किसान को बोला इसमें ये खेती करनी है, तूने गाजर, मूली, प्याज, मेन सब्जियां और सीजन की सब्जियां खानी है,
उसके पैसे भी बन गए, मैंने डायरेक्टली उठा लिया। वो अलाउ तो करे ना, अब मेरे जैसा बंदा भागा जाएगा 2 एकड़ लेने। मैं तो चाहूंगी कि मैं घर का खाना खाऊं। फिर इसका डायग्नोसिस आ गया। कहीं भी सरकार आपको डायग्नोसिस नहीं कह रही करने को। आधार कार्ड बना दिया जी, कल को नया बनाओ जी, परसों नया कार्ड बनाओ जी, आयुष्मान बनाओ जी, मेडिकल कार्ड कहाँ है? किसको पता है कि 40 साल के बाद कौन सी बीमारियां कब कब आती हैं? हर डॉक्टर को पता है 50 साल के बाद क्या इंसिडेंस है और क्या सिम्टम्स हैं जब बंदे ने भाग के डॉक्टर के पास जाना है। और डॉक्टर्स को बताया जाए कि इस उम्र का बंदा जब आपके पास आता है आपने ये टेस्ट जरूरी करने हैं। तभी मुझे कैंसर केयर का हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया, क्योंकि हमारे पास 11 बसेस हैं, उनमें फ्री हम एक दरवाजे से एक बंदे को भेजते हैं, वहां से निकालते हैं। वहां से 100-100 बंदा अगर हम टेस्ट करते हैं एक दिन में, 12 से लेकर 18 बंदे पॉजिटिव कैसे निकलते हैं, और वो लोग मानते नहीं है। वो सोचते हैं मैम ने कैंप लगाया है, शायद ये इनकी कोई तिकड़ी है जो नॉर्मल चलती है आजकल, कि हमें झूठा वो डायग्नोसिस करके दे रहे हैं तो ताकि हमारी सर्जरी हो जाए। पर उसमें से हम निकालते हैं और उन लोगों का फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में हम इजीली पकड़ के 100% बिल्कुल फ्री। क्या है सरकारी अस्पताल में जहां भी ट्यूमर है उसको निकाल दो, बायोप्सी करा दो, आपको आगे जरूरत ही नहीं, कीमो तक जाने की जरूरत ही नहीं है। कीमो तो थर्ड स्टेज में आती है। आप प्यार करते हो उसको खो दोगे क्योंकि वो तो मंजे पे पड़ा है। और ये उल्टा ये क्या कहने वाले थे, तो जन होया कि है। तो इससे कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है विल पावर बहुत ज्यादा है, पर अगला बंदा कह रहा है सारे छुट्टी लेके मेरे साथ बैठे हैं और कह रहे हैं हुआ क्या तुझे, चल चलिए बढ़ाते। हर कीमो, ये कीमो लगाई, वो नीडल निकाली, वो लीक भी कर गई, पर सीधा कभी ऋषिकेश कभी पालमपुर। कैंसर पनपता है एसिडिक शरीर में। अगर आपने दाल भी बनानी है, दाल को अगर आप भिगो दोगे एक रात पहले, इसको एक कटोरी से ज्यादा नहीं देते थे लेकिन रात को भिगो देते थे, चने खाने हैं राइट, इससे यूरिक एसिड वगैरह, तो अगर आप एक रात पहले उसको भिगो दोगे वो एसिडिक से अल्कलाइन हो जाता है। अब इसमें कितना अवेयरनेस स्प्रेड करने में कितनी देर लगती है भाई, मानने और जानने में बड़ा फर्क है गुरु। जब तुम्हारी अपनी बीवी, उसको आप ये कहो कि स्टेज 4 की कैंसर है और उसके पास 3% चांस है बचने का, वहां से अगर वो, और एलोपैथी का सारा इलाज करवाया, कोई चीज नहीं छोड़ी, इसको इसने जोर लगा लिया, रेडिएशन भी हुई, सब कुछ हुआ, एक एक चीज हुई, उसका अपना रोल है रिकवरी में। पहले क्या करती थी, बाल्टी आइसक्रीम कुरकुरे, जब ये बीमार, एक मिनट में जब जो बीमार नहीं, बिल्कुल चुप नहीं बोलना बिल्कुल, क्योंकि ये लोगों ने ली जा रही है, ठीक है। रात को वो नमकीन, सारा वर्ल्ड नमकीन नमकीन छोड़ दो इसको, ये जो पैक्ड फूड्स हैं, ये जो रिफाइंड फूड्स हैं, और वो नए प्रोडक्ट निकालेंगे ही जब उन्हें ये समझ आएगी कि भाई, और भाई बेसिक चीज है, ये स्वाद है 20 सेकंड के लिए, और ये मशीन है 24 घंटे के लिए। तुम 20 सेकंड के स्वाद के लिए 24 घंटे मशीन खराब रखो। मैं ये कहता हूं कि कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड भाई, इट कैन श्योरली बी प्रिवेंटेड। जड़े मेरे वीर जिन्होंने लगता है कि भाई कैंसर हो गया अब खत्म, उनमें आस आ जाएगी, उनमें विश्वास आ जाएगा। और वो लोग नहीं है कि जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, जिनके पास बैंक बैलेंस है। ये इलाज हिंदुस्तान में हुआ है, हिंदुस्तान के सरकारी अस्पताल में हुआ। कैंसर के लिए कोई मुझसे इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, इट विल बी ऑन एवरीथिंग दैट आई ओन, मेरा जो भी, मैं भी कैंप्स लगाऊंगी, ये भी कैंप्स लगाएगी, और इसके लिए मतलब कोई किसी से, और ये अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 10 लोगों का भी फायदा हो गया तो मैं समझूंगा कि आई एम एन